ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 16/1/2022 प्रातः मुरली, ओम शांति। अव्यक्त भाव दादा, रिवाइज है 25/12/89 मधुबन। रूहानी फकुर में रह बेफा बादशाह बनो, बेपरवाह बादशाह बनो। हाँ, बाबा ने कहा बेफा बादशाह बनो। आज बड़े ते बड़े बाप बच्चों को अलौकिक दिव्य संगम युग के हर दिन की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया वालों के लिए विशेष एक बड़ा दिन होता है, और बड़े दिन पर क्या करते हैं वह समझते हैं, बड़े दिल से मना रहे हैं। लेकिन आप जानते हो उन्हों का मनाना क्या है, उन्हों का मनाना। और आप बड़े ते बड़े बाप के बड़े दिल वाले बच्चों का मनाना कितना न्यारा और प्यारा है। जैसे दुनिया वालों का बड़ा दिन है, खुशी में नाचते गाते एक दो को उस दिन की मुबारक देते हैं, ऐसे आप बच्चों के लिए संगम युग ही बड़ा युग है। आयु में छोटा है, लेकिन विशेषताओं और प्राप्ति दिलाने में सबसे बड़ा युग है। तो संगम युग का हर दिन आपके लिए बड़ा दिन है, क्योंकि बड़े ते बड़ा बाप बड़े युग संगम युग में ही मिलता है। साथ साथ बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्राप्ति भी अभी होती है। पूरे कल्प की प्राप्ति जो है अभी की ही पढ़ाई से होती है। तो बाप दादा सभी बच्चों को बड़े ते बड़ा पुरुषोत्तम अब बनाते हैं। जैसे आज के दिन की विशेषता है खुशियां मनाना, और एक दो को गिफ्ट देना, मुबारक देना, और फादर द्वारा ही गिफ्ट मिलने का दिन मनाते हैं। आप सबको बाप ने संगम युग पर ही बड़े ते बड़ी गिफ्ट क्या दी है। बाप दादा सदा कहते हैं कि मैंने आप बच्चों के लिए हथेली पर क्या लेकर आया हूँ, स्वर्ग का राज्य भाग्य लाया हूँ। तो सबकी हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग्य है ना, जिसको कहते हैं तेरी पर बहिष्ट, हथेली पर स्वर्ग। इससे बड़ी गिफ्ट और कोई दे सकता है? कितने भी बड़े आदमी बड़ी गिफ्ट दें, लेकिन बाप की गिफ्ट के आगे वह क्या होगी जो नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनाने से ज्यादा गिफ्ट और किसके पास होगी, है ना? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा के पास। तो जैसे सूर्य के आगे दीपक है ना, बाकी सबकी सूर्य के आगे दीपक दिखाने के बगैर बराबर गिफ्ट होगी, लेकिन बाप की तो गिफ्ट का कोई मोल ही नहीं है, अमूल्य है ना। तो संगम युग की यादगार निशानियां अन्य धर्मों में भी रह गई हैं। आपको बड़े युग में बड़े बाप ने बड़े ते बड़ी गिफ्ट दी है, इसलिए आज के बड़े दिन पर इस विधि से मनाते हैं। वह क्रिसमस फादर कहते हैं, फादर सदा बच्चों को देने वाला दाता है। चाहे लौकिक रीति से भी देखो, फादर बच्चों का दाता होता है ना। यह है बेहद का फादर, बेहद का फादर गिफ्ट भी बेहद की देते हैं। और कोई भी गिफ्ट कितना समय चलेगी, कितने अच्छे अच्छे मुबारक के कार्ड गिफ्ट में देते हैं, लेकिन आज का दिन बीत गया, फिर उस कार्ड को क्या करेंगे? थोड़ा समय चलता है ना, खाने पीने की मीठी चीजें भी देंगे, वह भी कितना समय चलेंगे, कितना समय खुशी मनाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, एक रात दो रात है ना। लेकिन आप आत्माओं को बाप ऐसी गिफ्ट देते हैं जो इस जन्म में तो साथ है ही, लेकिन जन्म जन्म साथ रहेगी। दुनिया वाले कहते हैं खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लेकिन आप कह सकेंगे क्या कहेंगे? आप फलक से कहते हो कि हम आत्माएं बाप द्वारा मिले हुए खजानों से भरपूर होकर जाएंगी और अनेक जन्म भरपूर रहेंगे, 21 जन्मों तक यह गिफ्ट साथ रहेगी। और यह वादा कोई मनुष्यों का नहीं है, यह जो वादा सच्चा और पक्का वह परमपिता परमात्मा बच्चों से करते हैं कि बच्चे इस एक जन्म तुम मेरा हाथ पकड़ करके रखो,
मेरी मत पर चलो, मैं तुम्हारा जन्म जन्मांतर तक साथ नहीं छोड़ूंगा, यह मेरा पक्का और सच्चा वादा है। मैं ईश्वर हूँ और मैं कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ, है ना। तो बाबा इस तरह की गिफ्ट देते हैं। ऐसी गिफ्ट कभी देखी है? चाहे किसी भी फॉरेन के देश के राजा व रानी हों, ऐसी गिफ्ट दे सकते हैं? चाहे पूरा तख्त दे देवें, ऑफर करें, यह तख्त आप ले लो, आप क्या करेंगे? कोई लेगा? बाप के दिल तख्त के आगे या तख्त भी क्या है? इसलिए आप सभी फकुर में रहते हो। फकुर अर्थात रूहानी नशा। इस रूहानी फकुर में रहने वाले किसी भी बात का फिक्र नहीं करते, बेफा बादशाह बन जाते हैं। अभी के भी बादशाह और भविष्य में भी राजा ही प्राप्त करते हो। इसलिए सबसे बड़ी और सबसे अच्छी है बेफा बादशाही है। कोई फिक्र है? और प्रवृत्ति में रहने वालों को बाल बच्चों का फिक्र है, कुमारों को खाना बनाने का फिक्र ज्यादा है। कुमारियों को क्या फिक्र होता है? नौकरी का, कि अच्छी नौकरी मिले। फिक्र है क्या? बेफा होना। जिसको फिक्र होगा वह बेफा बादशाही का मजा नहीं ले सकेंगे। तो बेफिक्र बादशाह बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बाबा की याद में रहना पड़ेगा, है ना। तो फिक्र करने वाला कभी मजा नहीं ले सकेगा। विश्व की राजाई तो 20 जन्म होगी, लेकिन यह बेफा बादशाही और दिल तख्त यह एक ही इस युग में मिलते हैं, इस जन्म के लिए। तो एक का महत्व है ना। बाप दादा सदा बच्चों को यही कहते, ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफा बादशाह। ब्रह्मा बाप बेफा बादशाह बने तो क्या गीत गाया? पाना था सो पा लिया, पाने को क्या बाकी रहा, काम बाकी क्या रहा, है ना। तो आप क्या कहते हो? सेवा का काम बाकी रहा हुआ है, लेकिन वह भी करावन हार बाप करा रहे हैं, हम आप नहीं कर रहे हैं और कराते रहेंगे, हमको करना है। इससे बोझ हो जाता है, बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं तो बेफा हो जाएंगे। वो मालिक है, हम नौकर बन कार्य करेंगे, हम ट्रस्टी बन उस ट्रस्टी पर विश्वास भरोसा करके कोई भी कर्म करेंगे तो फिर मेरा पन नहीं रहेगा, है ना। तेरा तेरा कहने से फिर मेरापन खत्म होता है तो चिंताएं भी खत्म हो जाती हैं। तो करावन हार बाप करा रहे हैं, आप करते हैं तो यह भी बाबा कहते इससे बोझ हो जाता है, तो बाप हमारे द्वारा करा रहे हैं। बाबा कहते तो बेफा हो जाएंगे। निश्चय है यह श्रेष्ठ कार्य होना ही है, वह हुआ ही पड़ा है, इसलिए निश्चय बुद्धि निश्चिंत बेफा रहते हैं। यह तो सिर्फ बच्चों को बिजी रहने लिए सेवा का एक खेल करा रहे हैं। निमित्त बनाए पर वर्तमान और भविष्य सेवा के फल का अधिकारी बना रहे हैं। काम बाप का, नाम बच्चों का। फल बच्चों को खिलाते, खुद नहीं खाते हैं तो बेफा हुए ना। सेवा में सफलता का सहज साधन ही है यह, कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप सर्वशक्तिमान है, कर्म का फल भी इतना ही श्रेष्ठ मिलता है। तो सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई बेफा बादशाही व हथेली पर स्वर्ग के राज्य भाग्य की गॉडली गिफ्ट स्मृति में रखो। बाप और गिफ्ट दोनों की याद से हर दिन तो क्या, लेकिन हर घड़ी बड़े ते बड़ी घड़ी है, बड़ा दिन है, ऐसी अनुभूति करेंगे। दुनिया वाले तो सिर्फ मुबारक देते हैं, क्या कहते हैं, हैप्पी हो, हेल्दी वेल्दी हो कह देते हैं, लेकिन बन तो नहीं जाते हैं ना। बाप तो ऐसी मुबारक देते जो सदा के लिए हेल्थ वेल्थ हैप्पी वरदानों के रूप में साथ रहती है। सिर्फ मुख से कह करके खुश नहीं करते हैं, लेकिन बनाते हैं, और बनना ही मनाना है, क्योंकि अविनाशी बाप की मुबारक भी अविनाशी होगी ना, तो मुबारक वरदान बन जाती है। आप तना से निकले हुए हो, यह सब शाखाएं हैं, यह सभी धर्म आपकी शाखाएं हैं ना,
कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए वृक्ष की निशानी क्रिसमस ट्री दिखाते हैं। क्रिसमस ट्री कभी सजी हुई देखी है? इसमें क्या करते हैं? स्टेज पर दो क्रिसमस वृक्ष सजे रखे हैं। इसमें क्या दिखाया है? विशेष चमकते हुए जगे हुए बल्ब दिखाते हैं। छोटे छोटे बल्बों से ही सजाते हैं, इसका अर्थ क्या है? कल्प वृक्ष की आप चमकती हुई आत्माएं हो, और जो भी धर्म पिताएं आते हैं वह भी अपने हिसाब से सत्व प्रधान होते हैं, इसलिए गोल्डन एज्ड आत्मा चमकती हुई होती है। इसलिए यह कल्प वृक्ष की निशानी अन्य धर्म की शाखाएं भी हर वर्ष निशानी मनाते रहते। सारे वृक्ष का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कौन है? ग्रैंडफादर है ना, तो कौन सा बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है? बाप ने ब्रह्मा को आगे रखा है, साकार सृष्टि की आत्माओं का आदि पिता आदिनाथ ब्रह्मा है, इसलिए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। आदिदेव के साथ आप भी हो ना, कि अकेले आदिदेव है? नहीं ना, तो आप आदि आत्माएं अभी आदिदेव के साथ हो और आगे भी साथ रहेंगी। इतना नशा है, खुशी के गीत सदा गाते रहते हो या हो ना, या सिर्फ आज गाएंगे कल नहीं गा पाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं है। तो आज विशेष डबल फॉरनर्स का दिन है, आपके लिए रोज बड़ा दिन है या आज है? चारों ओर देश विदेश के बच्चे कल्प वृक्ष में चमकते हुए सितारे दिखाई दे रहे हैं। सूक्ष्म रूप में तो सब मधुबन में पहुंचे हुए हैं, वह भी सब आकारी रूप में मना रहे हैं। आप साकारी रूप में मना रहे हो। सभी का मन बाप की गॉडली गिफ्ट को देख खुशी में नाच रहा है। बाप दादा भी सर्व साकार रूप और आकार रूपधारी बच्चों को सदा हर्षित भाव की मुबारक दे रहे हैं। सदा दिल खुश मिठाई खाते रहो और प्राप्ति के गीत गाते रहो। ड्रामा अनुसार भारत वालों को विशेष भाग्य मिला हुआ है। अच्छा, सभी टीचर्स ने बड़ा दिन मनाया कि रोज मनाती हो? बाप बड़ा बाप है और बड़े आप भी हो, इसलिए जो दुनिया वालों के बड़े दिन हैं उसको महत्व देते हैं। इसमें भी आप बड़े छोटे भाइयों को उत्साह दिलाते हो। सभी टीचर्स बेफा बादशाह हो, बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है, तो बेफा बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो? असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कम्बाइंड है, मैं और मेरा बाबा और कोई नहीं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा, इसको कहते हैं असोच, अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती, जहां चिंता है वहां शुभ चिंतन नहीं, और जहां शुभ चिंतन है वहां चिंता नहीं। अच्छा, चारों ओर के गॉडली गिफ्ट के अधिकारी, बड़े ते बड़े बाप के, बड़े ते बड़े भाग्यवान आत्माएं, आदि पिता के सदा साथी आदि आत्माएं, सदा बड़े ते बड़े बाप द्वारा मोहब्बत की मुबारक। अविनाशी वरदान प्राप्त करने वाले सर्व साकारी रूपधारी और आकारी रूपधारी सभी बच्चों को दिल खुश मिठाई के साथ याद प्यार और नमस्ते। पूना बीदर ग्रुप, रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो? जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है।
पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना, सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं, देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में भी फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतींद्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी, इसलिए इस खुशी को जितना चाहो मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना, यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला भी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है, और कोई दुख अशांति से घबराया हुआ चेहरा हो तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए, है ना? तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो घर वाले आपको देखकर खुश हो जाएं। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से ना भी बोलें, लेकिन अंदर महसूस करते हैं, और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं, रोने की परिस्थिति में भी खुश रहें, मन खुश रहे। ऐसे नहीं हंसते रहो लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो नहीं बोलो, लेकिन अपनी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना है कि दिल खुश मिठाई खानी है, औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता। आज बेलगाम सोलापुर ग्रुप, अपने इस श्रेष्ठ जीवन का देख हर्षित होते हो, क्योंकि यह जीवन हीरे तुल्य है। हीरे का मूल्य होता है ना। देखिए गोल्ड कोई भी खरीद सकता है, सिल्वर कोई भी खरीद सकता है, पीतल तांबा सब लोग खरीद सकते हैं, लेकिन जो हीरा होता है, जो हीरे का मूल्य होता है, उस मूल्य को हर कोई देकर खरीद नहीं सकता है ना। तो हीरे तुल्य जीवन है ये, और यह हर किसी के हक में नहीं आता। तो हीरे का मूल्य होता है ना, तो इस जीवन को इतना मूल्य समझकर कर्म करो। ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक जीवन, अलौकिक जीवन में साधारण चलन नहीं हो सकती। जो भी कर्म करते हो वह अलौकिक होना चाहिए, साधारण नहीं। अलौकिक कर्म तब होता है जब अलौकिक स्वरूप की स्मृति रहती है, क्योंकि जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति होगी। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बनाती है। इसलिए कर्म भी श्रेष्ठ अलौकिक होता है। सारा दिन जैसे अज्ञानी जीवन में मेरा मेरा करते रहे, अब यही मेरा बाप की तरफ लगा दिया ना, अभी और सब मेरा मेरा खत्म हो गया। ब्राह्मण बनना अर्थात सब कुछ तेरा कर दिया। यह गलती तो नहीं करते हो? मेरे को तेरा, तेरे को मेरा तो नहीं कहते?
मेरा तो नहीं बना देते हो। जब कोई मतलब होगा तो कहेंगे मेरा, और कोई मतलब नहीं होगा तो कहेंगे तेरा। मेरा भले कहो लेकिन मेरा बाबा कहो, बाकी सब मेरा मेरा छोड़कर एक मेरा कहने से मेहनत से छूट जाएंगे, बोझ उतर जाएगा। नहीं तो गृहस्थी जीवन में कितना बोझ है। अभी हल्के डबल लाइट हो गए इसलिए सदा उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला के सिवाय रुकती कला में रुकना नहीं है, सदा ही उड़ते चलो। बाप ने अपना बना लिया सदाए, इसी खुशी में रहो। आज का वरदान बाबा ने दिया, ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्स कर नंबर वन बनने वाली सर्वगुण संपन्न भव। वर्तमान समय आपस में विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनने की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञान के साथ साथ गुणों को इमर्स करो। यही संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है, तो व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सतें नहीं रहेगी। दूसरों को देखने के बजाय ब्रह्म बाप को फॉलो करते हुए हर सेकंड गुणों का दान करते चलो, तो सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल नंबर वन हो जाएंगे। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, साइलेंस के पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। साइलेंस की पावर द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना ही मनसा सेवा है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। यह परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। यह परमात्म प्यार ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।